दुनिया में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और उनके पर्पस भी अलग अलग हैं। जैसे यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट और कुछ सीखने के लिए आते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इसी तरह ट्विटर, जहाँ हम टेक्स्ट के माध्यम से अपने विचार को शेयर करते हैं, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसी तरह पिंटरेस्ट है, जहाँ हम न्यू कंटेंट आइडिया या वेबसाइट ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं। इसी तरह लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी फेमस और प्रेस्टीजियस है। लिंक्डइन को प्रोफेशनल लोगों का फेसबुक कहा जाता है। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह लिंक्डइन का भी एक पर्पस। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अपने फील्ड में करियर ग्रोथ और नेटवर्क इंक्रीज करने के लिए लोग लिंक्डइन पर आते हैं और लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर प्रोफेशनल एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटी मिलती है। लिंक्डइन प्रोफेशनल लोगों का ऑनलाइन रेपुटेशन है, इसलिए आजकल कंपनियां लिंक्डइन प्रोफाइल को रिज्यूम की तरह ट्रीट करती है। कंपनी आपके पेपर रिज्यूमे की जगह आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखना पसंद करती है। B2B बिजनेस के मार्केटिंग के लिए लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सारे कंपनी के CEO, CMO, डिसीजन मेकर सभी लिंक्डइन पर अवेलेबल है। अगर आप B2B बिजनेस में हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस की इफेक्टिवली मार्केट एंड सेल कर सकते हैं। B2B बिजनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म एक लीड जनरेशन का काम करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस या सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। वो अपने अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और अपने टेस्टिमोनियल को दिखाते हैं, तो दूसरे कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स और डिसीजन मेकर भी लिंक्डइन पर अवेलेबल है। अगर उन्हें ऐसी सर्विस की आवश्यकता होगी, वो अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस अगर उन्हें चाहिए, तो ज़रूर वो ऐसे कंपनी से कॉन्टैक्ट करेगी जो इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है। तो इसलिए लिंक्डइन एक B2B मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको लिंक्डइन पर ज़रूर होना चाहिए। लिंक्डइन पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं और अपनी स्किल और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब पा भी सकते हैं। अगर आप पहले से किसी इंडस्ट्री में वर्किंग हैं, तो भी आपको लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाना चाहिए, ताकि करियर में और ग्रोथ मिल सके। इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे आप लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं और करियर ग्रोथ के लिए लिंक्डइन को कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। हे दोस्तों, मेरा नाम अफसर है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटल ड्यूड पे। लिंक्डइन ग्रोथ हैक का स्टेप नंबर 1 है ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल लुक देना है। प्रोफाइल पिक्चर में एक क्लियर फेस प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। अबाउट में प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है और अपने बेस्ट स्किल और टेस्टिमोनियल को हाईलाइट करना है। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केट से रिलेटेड स्किल्स हाईलाइट करूँगा, और अगर आपने किसी कंपनी या किसी क्लाइंट के लिए काम किया है, तो उसको अपना टेस्टिमोनियल बना लो। इससे आपका पोर्टफोलियो बनेगा और करियर ग्रोथ में इससे मदद मिलेगी। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हुए आप दूसरे लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल भी देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कैसे उन्होंने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है। Observe other LinkedIn profile which is related to your industry. LinkedIn growth hack step number 2 है, how to find right people for connection. जिस तरह Facebook में हम friend request send करते हैं, उसी तरह LinkedIn platform पर भी हम connection request send करते हैं। सामने वाले की अगर मर्जी है तो वो accept करते हैं, नहीं तो वो reject कर देते हैं। How to find right people for connection. जिस तरह फेसबुक में हम फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसी तरह लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर भी हम कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सामने वाले की अगर मर्जी है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया। अब बात आती है कैसे हम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को खोजें, ताकि हम उससे कनेक्ट होकर अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकें और हमें करियर में ग्रोथ मिले। जैसे मान लो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मुझे अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से ही कनेक्ट होना है।
मैं लिंक्डइन के सर्च बार में अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड या फेमस हैशटैग डालूंगा, फिर उससे जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं हर एक को या आप जिससे मर्जी कनेक्ट होना उसे आप उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मैं इस हे दोस्तों, चलिए हम लाइव करके देखते हैं कि कैसे हम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं और उसे लिंक्डइन पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने प्रोफाइल पे हूँ और अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोगों को फाइंड करना है, उनसे कनेक्शन बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँ? ये सर्च बार में हमने अपने इंडस्ट्रीज का फेमस एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, हमने इसे डाल दिया है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ ग्रुप है, कोर्स है, पीपल है, हमें पीपल से कनेक्ट होना। आप चाहे तो यहाँ पेज भी है, ग्रुप भी है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट आ गया, आप चाहे इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनसे जैसे मैं मानता हूँ, मैं इनको एक निरार पूंज डिजिटल मार्केटिंग मतलब पता चल गया कि ये मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड ही इंसान है, मैं इनसे कनेक्ट हो जाऊँगा। ऐसे इस तरीके से आप भी, आप चाहे आपका इंडस्ट्री फैशन हो, फूड हो, ब्लॉगिंग हो, जिससे भी रिलेटेड हो, इस तरीके से आप अपने कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, लोगों को फाइंड करते हैं लिंक्डइन पे। हमेशा अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो, या आपको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट आए तो पहले उस प्रोफाइल को एक्सप्लोर कर लो, देख लो वो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या नहीं। इससे आपका क्वालिटी कनेक्शन बिल्ड होगा। लिंक्डइन ग्रोथ है स्टेप नंबर 3, ऑलवेज सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट विथ ए कस्टमाइज नोट। जब हम किसी को डायरेक्ट कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये सोचते हैं ये क्यों हमसे कनेक्ट होना चाहता है, इनका गोल क्या है, इसलिए कई बार लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। लिंक्डइन खुद कहता है अगर किसी को आप एक कस्टमाइज नोट के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसके एक्सेप्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट स्टैंड आउट कर जाता है दूसरे लोगों से। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे हम अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को एक कस्टमाइज नोट के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करें ताकि वो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और हमारा नेटवर्क बिल्ड हो। ये दोस्तों, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं और अब देखते हैं कि हम कैसे कस्टमाइज नोट के साथ एक कनेक्शन सेंड करते हैं। सबसे पहले हम सर्च बार में जाएंगे और अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी पीपल को फाइंड करेंगे। जैसा हम यहाँ आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ ग्रुप है, कोर्स है, पीपल है, तो पीपल में जाना है क्योंकि किसी लोग से हमें कनेक्ट होना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ कोई कनेक्शन है, पता चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, इससे पता चल रहा है कि हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है। इसे हम सेंड करने के लिए कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कह रहा है You can add a note to personalize your invitation to Neha Jain. Add a note. मैंने एक नोट बना रखा है, मैं उसे भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा नोट, इसे मैंने ऐसे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे इसमें लिखा है Hi ma'am, yes sir, I saw your recent post on LinkedIn and I really like your unique content and wanted to be a member of your awesome LinkedIn network. Hope you will accept my request. Thank you. और आप इस तरीके से किन्हीं को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका स्टैंड आउट कर जाएगा दूसरे लोगों से रिक्वेस्ट, क्योंकि इनको और लोगों ने भी कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया होगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ आई सॉ योर रिसेंट पोस्ट, इट वॉज यूनिक कंटेंट एंड रियली लाइक इट, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज योर कनेक्शन। आप यहाँ सेंड पर क्लिक कर दीजिए और ये सेंड हो गया। आई होप आप सीख चुके होंगे कि किस तरह हम कस्टमाइज नोट के साथ किसी को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। बताओ आप उनसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको स्पेशल फील कराओ। मैं जानता हूँ ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इस तरीके से आप एक महीने में ही 500 कनेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। रोज़ाना आपको इस तरीके से ही 50-50 कनेक्शन डेली आपको सेंड करने हैं। LinkedIn ग्रोथ हैक स्टेप नंबर 5, बी एक्टिव ऑन LinkedIn। एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लव्स कंसिस्टेंसी। आप अपने नीश से रिलेटेड कंटेंट कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे पोस्ट करना है। जैसे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो वो फेसबुक अपडेट, न्यू गूगल अपडेट्स, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डिफरेंट बिजनेसेस जैसा कंटेंट पोस्ट कर सकता है।
आपको वीडियो, इंफोग्राफिक्स, स्टोरी, सभी तरह का कंटेंट पोस्ट करना है। पोस्ट पर अच्छा एंगेजमेंट के लिए मिनिमम 4 हैशटैग यूज करना है एंड ऑलवेज पोस्ट इन वर्किंग आवर मंडे टू फ्राइडे। ये एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपको न्यूज फीड में एक्टिव रहना है, दूसरे के पोस्ट पर भी कमेंट, लाइक एंड शेयर करना है ताकि उनको ना लगे कि आपका कनेक्शन कोल्ड है। इस तरीके से आप अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से जुड़ने लगेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अगर आप बिजनेस लर्निंग, एंटरप्रेन्योर और इंटरनेट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।